सचिन कांबळे, छत्रपती संभाजी ब्रिगेड, संस्थापक अध्यक्ष। अभी मिलिंद एकबोटे को आज एक 28 दिन हो चुका है वो दंगल होने के बाद भी आज मिलिंद एकबोटे, मनोहर भिड़े, आनंद दवे को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भाजपा सरकार है, आरएसएस की सरकार है और आरएसएस है ब्राह्मणवादी लोगों का संगठन है। ब्राह्मण और मिलिंद एकबोटे सब ब्राह्मण होने के वजह से आज तक उनको शिक्षा नहीं दी गई। संविधान कहता है जिन्होंने गुनाह किया है वो कोई भी छोटा और बड़ा गुनाह होने दो, गुनाह गुनाह होता है, गुनाह होने के बाद, क्राइम होने के बाद उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुरंत पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन इस भारत देश में दो संविधान है, एक ब्राह्मणों के लिए अलग है और हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के लिए अलग है। इस वजह से देवेंद्र फडणवीस और भारत शासन, भारत सरकार उनके भाई है, उनके भाई होने के वजह से आज तक उनको शिक्षा तो छोड़ी है, उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया। वहां पे बहुजन समाज का कोई मूल्यवासी बांधव रहता था तो अब तक उसको फांसी दी जाती थी, उसको मारा जाता था। आपको लगता है कि ये अरेस्ट नहीं होने वाले? वो अरेस्ट होने वाले नहीं है क्योंकि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के वजह से, क्योंकि उनके भाई है और ब्राह्मणों की सरकार होने के वजह से उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा, ना ही उनको पनिशमेंट दी जाएगी, ना ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे की आपकी रणनीति क्या? हमारी आगे की रणनीति ये है, प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा था 3 तारीख को महाराष्ट्र बंद, बहुत सारे नेताओं ने मिलकर महाराष्ट्र बंद और भारत बंद की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र बंद के बाद उन्होंने घोषणा की कि हमारा संप बंद हो गया, हमारा आंदोलन बंद हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड और बहुत सारी हमारी विचारों की जितनी भी संगठना है, आंदोलन अब तक बंद नहीं हुआ। जब तक कॉम्बिंग ऑपरेशन हमारे 6500 लोगों के ऊपर, हमारे बहुजन समाज के जो अनुयायी थे, भीम सैनिक थे, जितने भी सैनिक थे उनके ऊपर बहुत सारे कॉम्बिंग ऑपरेशन करके उनके ऊपर गुनाह डाला गया, क्योंकि उनके ऊपर गुनाह डाला, लेकिन उनके ऊपर जिन्होंने दंगल घड़ाई है, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे देशद्रोह का, आतंकवादी का जो कार्य किया उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हुए हमारे भीम सैनिकों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन करके 6500 के ऊपर कार्रवाई की गई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं 6500 जो कॉम्बिंग ऑपरेशन, 6500 हमारे भीम सैनिकों पर जो कार्रवाई की है, गुना दाखिल किया है, जब तक उनका गुना कैंसिल नहीं होता, उनको अरेस्ट किया, उनको छोड़ते नहीं है। और दवे मनोहर भिड़े, आनंद दवे मनोहर भिड़े और एकबोटे और देवेंद्र फडणवीस को जब तक फांसी नहीं होती यह आंदोलन चलता रहेगा। मधले संबोधी कांबळे हे आंबेडकरी चळवळीतले कार्यकर्ते, ये एकबोटेच्या संदर्भामध्ये आपली प्रतिक्रिया देत आहोत। या दंगलीचा मुख्य सूत्रधार मधुकर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे हे एवढ्या मोठ्या दंगलीला जबाबदार असताना सुद्धा सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळलेला, असं असताना सुद्धा ते उच्च न्यायालयामध्ये अपील करत आहे। वास्तविक पाहता चेंबूर, गोवंडी किंवा मुंबईमध्ये ज्या आंदोलकांवरती केसेस झाल्या, त्यांचे आंदोलन ते सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत असताना सुद्धा त्यांच्यावरती दंगलीच्या केसेस दाखल करून त्यांना अडकवण्यात आले, परंतु यांनी खऱ्या अर्थाने दंगल घडवली असे मिलिंद एकबोटे यांना शासन साधं अटकसुद्धा करत नाही आहे। म्हणजे भारतीय संविधान जे या देशातलं सर्वोच्च आहे त्याच्याही पेक्षाही मोठी असल्यासारखं सरकार यांना वागणूक देत आहे। यांचा जो अटकपूर्व जो जामीन आहे तो सत्र न्यायालयाने ते फेटाळलेला आहे। आमची अशी अपेक्षा आहे की उच्च न्यायालयाकडून सुद्धा फेटाळला जावा, कारण संविधानाच्या माध्यमासमोर कोणीही मोठा नाही आणि कोणीही लहान नाही आहे, आणि इथलं जे शासन आहे हे त्यांना सरळ सरळ वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर त्यांना तात्काळ अटक केली जावी।